हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हुआ आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं सीम की बहुत अमेजिंग सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे तो आप लोगों ने कई सब्जियाँ खाई होगी, बट ये आज सीम की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सीम को, टमाटर को काट लिया है और प्याज का पेस्ट बना लिया है और सरसों का और लहसुन का भी पेस्ट बना लिया है। और मिनिमम 4 से 5 के करीब मैंने मिर्चियाँ काट करके रखा है, हरी मिर्च। आप देख सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पैन को चढ़ा दिया है। इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें सीम काट करके जो रखा था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ जब तक ये थोड़ा मोड़ा सीज ना जाए और अच्छे तरीके से इसका कलर थोड़ा मोड़ा गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, मिनिमम 5 से 7 मिनट के करीब आपको फ्राई करना है। गैस का फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। तो चलिए, आप देख सकते हैं बातों बातों में सारी सीम अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुकी है। तो अब मैं इसे फटाफट एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी सीम को एक प्लेट में निकाल लिया है और सेम पैन में मैं मिनिमम 3 से 4 चम्मच के करीब तेल और डाल देती हूँ। और 1 चम्मच के करीब मैंने 5 फोड़न इसमें डाल दिया है और जो कि मैंने हरी मिर्च काट करके रखी थी ना 4 से 5, वो मैं हरी मिर्च इसमें डाल देती हूँ और ये सारे मसालों को चटकने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हरी मिर्च और ये 5 फोड़न अच्छे तरीके से चटक चुकी है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ जो कि मैंने पहले से बना करके रखा था। पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, शुरू से मैंने बता करके रखा है कि मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है, हाई बिल्कुल ना करें। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें डाल देती हूँ लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों डाल सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी आ चुकी है तो अदरक शरीर में बहुत गर्म करती है, इसी वजह से मैंने अदरक का पेस्ट नहीं डाला है, बस मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और इसे अच्छे तरीके से मैं फ्राई करती हूँ मिनिमम 3 से 4 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज फ्राई करने में मुझे 3 से 4 मिनट लग चुकी है। तो अब आती है मसालों की बारी। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसमें स्वाद के अनुसार से नमक डाल देती हूँ। मैंने मिनिमम 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है और छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच के करीब हल्दी डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। ये तीनों मसाले डाल देने के बाद मैं मिनिमम 1 चम्मच के करीब इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है और नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस कश्मीरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये सारे मसाले को अच्छे तरीके से मैं मिनिमम 5 से 7 मिनट के करीब फ्राई कर लेती हूँ जब तक इसमें से तेल ना छूटने लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें टमाटर डाल देती हूँ जो कि मैंने पहले से काट करके रखा था। फ्रेंड्स, मैंने अभी इसे टमाटर को इसलिए डाला है क्योंकि सारे मसाले के साथ टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से 5 से 7 मिनट के करीब इसे सारे मसाले को ढक करके फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसे बीच बीच में चलाते रहना है जैसा कि मैंने आपको बताया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे मसाले कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इसमें से कितने अच्छे तरीके से तेल भी छूटने लगी है। मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें सरसों का पेस्ट डाल देती हूँ मिनिमम 3 से 4 चम्मच के करीब। सरसों का पेस्ट डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेती हूँ। गाइस, आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, सरसों का पेस्ट डालने के बाद आपको ज़्यादा फ्राई सरसों का पेस्ट नहीं करना है, यानी कि सारे मसाले के साथ सरसों का पेस्ट ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है। मिनिमम आपको 2 मिनट के करीब ये सारे मसाले के साथ सरसों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना फ्राई करें। अगर जो 2 मिनट से ज़्यादा फ्राई कीजिएगा तो ये आपकी सारी सरसों बहुत तीखी तीखी लगेगी और इसका टेक्सचर, स्वाद सब बेकार हो जाएगा गाइस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 मिनट हमारी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें फटाफट सीम जो कि मैंने पहले से फ्राई करके रखा था ना, वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से सारे मसाले में अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ सारे सीम को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरसों डालने के बाद आपको मिनिमम 2 मिनट ही फ्राई करना है। तो 1 मिनट हमारी हो चुकी थी और सीम डालने के बाद 1 मिनट बस इसे मिक्स करते हुए कैसे भी फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 मिनट हमारी हो चुकी है फ्राई करने में। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें पानी डाल देती हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसके मेजरमेंट के अनुसार से पानी इसमें डाल सकते हैं। एक्चुअली ये सीम की सब्ज़ी में थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी अच्छी भी लगती है, तो इसी वजह से मैंने मिनिमम 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से सारी सब्जी को मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ और मिनिमम इसे 5 से 6 मिनट के करीब इसे अच्छे तरीके से खौलाती हूँ। गैस का फ्लेम आपको अभी मीडियम रखना है, यानी कि मैंने शुरू से लेके अभी तक मीडियम ही गैस का फ्लेम रखा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हमारी हो चुकी है। मैंने सीम को पहले से ही फ्राई कर लिया था, तो वो उस टाइम में भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी थी, हल्की पक चुकी थी। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ढक करके पकाती हूँ जब तक ये ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी ना हो जाए। यकीन मानिएगा, इस ये रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगी कि आप लोगों ने ऐसे तो सीम की सब्ज़ी बहुत तरीके से खाई होगी, बट इस तरीके से बनाएं आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुकी है हमारी। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये सब्ज़ी आखिर कम्प्लीटली सीज गई है या फिर ये गाढ़ी हो चुकी है इसकी ग्रेवी या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका लुकिंग ही देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब आती है सर्व की बारी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं ये स्वादिष्ट सीम की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आप तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बच्चों लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है। ऐसे तो बच्चे लोग सीम की सब्ज़ी खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, बट इस तरीके से बनाए वो उंगलियाँ चाट चाट के खाएँगे, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो अब मैं ऊपर से इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ ताकि इसका लुकिंग और भी अमेजिंग हो जाए। आप देख सकते हैं इसका लुकिंग कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।